नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक। डोम्बा में श्री हरि वनवासी विकास समिति रांची झारखंड द्वारा संचालित विद्यालय सरस्वती शिशु मंदिर में विधायक मत द्वारा निर्मित दो कमरों का उद्घाटन माननीय राज्यसभा सदस्य श्रीमान समीर उरांव, लोहरदगा लोकसभा सांसद श्री सुदर्शन भगत, पूर्व विधायक सह विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश उरांव जी के संयुक्त कर्म कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। कार्यक्रम में प्रांत के सह शिक्षा प्रमुख श्रीमान सुभाष चंद्र दुबे जी, प्रधानाचार्य भास्कर कुमार महतो, अध्यक्ष श्रीमती सीता उरांव, उपाध्यक्ष बिरसा लोहार को उमा शंकर महतो, मंडल अध्यक्ष मनोज वर्मा, संतोष पांडा, किशोर साहू, संजय जायसवाल, रामनंद साही, भाजपा जिला अध्यक्ष अनुप चंद्र अधिकारी, प्रेम कुमार सिंह, अनिल गुप्ता, अनिल साहू, भोला केसरी, मुरारी केसरी, आचार्य एवं ग्रामीण उपस्थित थे। सब देख रहे हैं। एक विशेष उद्देश्य भावनाओं के आधार पर स्थापित संचालित यह विद्यालय यहाँ पर चल रहा है। ऐसे तो सरकारी माध्यम से बहुत सारे विद्यालय चलते हैं, चल रहे हैं, लेकिन ऐसे विद्यालय का संचालन, ऐसे विद्यालय को चलाना एक विशेष उद्देश्य के लिए ही स्थापित किया गया है, जो कि आज आप कई चीजों को परिणाम के रूप में आप देख रहे हैं, प्रत्यक्ष देख रहे हैं, दिखाई दे रहा है, तो अपने मन में भी आत्मसंतुष्टि होता है कि वास्तव में जो है देश के अंदर चाहे सुदूरवर्ती गांव में ऐसे उद्देश्य के माध्यम से जो हम स्थापित किए हैं, वैसे विद्यालयों से जो पढ़ लिख करके जो है इस राष्ट्रीयता की भावनाओं के आधार पर आगे चलने वाला विचार चल रहा है और काम हो रहा है, ऐसा हमें आत्मसंतुष्टि। आज बड़े भाई दिनेश राव जी के विधायक पद से आज इस परिसर में दो अतिरिक्त विद्यालय भवन का निर्माण हुआ है और आज इस उद्घाटन समारोह में हम सभी लोग उपस्थित हैं। और हम सभी लोग जानते हैं श्री हरि वनवासी विकास समिति के तरफ से या अपने विचार परिवारों के तरफ से, चाहे विद्या भारती के तरफ से हो या वनवासी कल्याण केंद्र के तरफ से हो या अन्य जो भी हमारे विचार परिवारों के तरफ से जो भी इस प्रकार के विद्यालय चलते हैं, वो विद्यालय जन सहयोग पर आधारित है। और आज पूरे इस इलाके की बात की जाए, अगर हम गुमला जिला की बात करें या पूरे संसदीय क्षेत्र की बात करें या पूरे झारखंड, इस पूरे प्रदेश की भी हम बात करें, तो सुदूर गांवों के अंदर में आज तो स्थिति परिस्थिति काफी बदली है। दो कमरे का भवन निर्माण का उद्घाटन, शुभ उद्घाटन का कार्यक्रम है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।